हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। क्या मुंबई की लोकल ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो पाएगी आम जनता के लिए, या बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए और सख्ती लगाई जा सकती है? तो चलते हैं वीडियो शुरू करके आज के वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र में रिकॉर्ड्स 9,195 कोविड केसेस जो निकल के आए, और साथ ही वैक्सीनेशन को सस्पेंड किया गया है मुंबई में। दूसरी तरफ जी हाँ दोस्तों, दो समस्याएं इस समय महाराष्ट्र के सामने निकल कर आ रही। एक तो कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन प्रोसेस में भी थोड़ा धीमा हो रहा है। यानी कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को, जहां मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, वहां पर वैक्सीनेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस समय कोविड की वजह से, जी हाँ, और वैक्सीन की कमी की वजह से ये फैसला लेना पड़ रहा है, और फ्राइडे के बाद से, जी हाँ, एक बार फिर से वैक्सीन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार से 9 लाख वैक्सीन के डोज अभी फिलहाल मिल चुके हैं और बहुत ही जल्द एक बार फिर से मुंबई में दोबारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आ रही है कि लगातार वैक्सीन की कमी की वजह से जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो ड्राइव है, वो स्लो हो रहा है, और जिसकी वजह से लॉकडाउन की मार आम जनता झेल रही है। आम जनता के लिए काम पर लौटना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस समय लोकल ट्रेन आम जनता की पहुँच से बाहर रखा गया है। लेकिन एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि मुंबई की लोकल ट्रेन के लिए यूनिवर्सल पास की व्यवस्था की जा रही है, जो QR कोड सिस्टम पर आधारित होगी, जिससे आम जनता लोकल में सफ़र कर सकती है, साथ ही मेट्रो में, और ये कुछ हो पाएगा 5 जुलाई के बाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।